बुरहानपुर भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक व खूबसूरत शहर है, जो पवित्र ताप्ती नदी के तट पर स्थित सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के नाम से बसाया गया नगर है। इस नगर को पूर्वी निमाण खंडवा जिले से 15 अगस्त 2003 को अलग करके नया जिला बनाया गया था, जो कि इंदौर संभाग में आता है। इंदौर मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा संभाग है। फ्रेम नगर नजर डाले बुरहानपुर के इतिहास पर तो पता चलता है कि बुरहानपुर पूर्व में खानदेश की राजधानी था। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीब द्वारा बसाया गया। यह नगर मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण मकबरों, मस्जिदों और ऐतिहासिक वस्तुओं से अटा पड़ा है। यहाँ पर कई शक्तिशाली सम्राटों का शासक रह चुका है। दोस्तों, यह शहर लगभग 3427 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 46वां जिला है। इस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिले तथा महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। फ्रेम यहां स्थित आसीरगढ़ का किला सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आसीरगढ़ के किले को जीते बिना दक्षिण भारत में प्रवेश करना नामुमकिन था। इसी कारण से आसीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्खन का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता था। इसकी भव्यता आज भी दर्शनीय है। दोस्तों, इस शहर में मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग स्थापित है, इसी कारण इस शहर को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में 1906 में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापित की गई थी, और इस शहर के निपानगर में देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल भी है। फ्रेम नगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बुरहानपुर की जनसंख्या 7,56,000 के लगभग है। दोस्तों, क्या आपको पता है शाहजहां की प्रेमिका मुमताज की मृत्यु इसी जिले की जैनाबाद तहसील में हुई थी, तथा उसकी कब्र पहले बुरहानपुर में बनाई गई थी, बाद में आगरा में ताजमहल के रूप में बनाया गया। दोस्तों, यह शहर सिख धर्म से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि सिखों के पहले गुरु नानक देव एवं सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह दोनों का बुरहानपुर में आगमन हुआ था। इसके अलावा प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय इसी शहर में स्थापित किया गया है। फ्रेम यह जिला मुख्य रूप से 3 तहसीलों में बटा हुआ है, जैसे बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार है। इस शहर में मुख्य रूप से केला, कपास और सोयाबीन आदि की खेती की जाती है, और यह शहर गांजा उत्पादन में भी अग्रणी जिला माना जाता है। दोस्तों, यह शहर समुद्र तल से 247 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भोपाल से 367 किलोमीटर दूर और भारत की राजधानी दिल्ली से 1085 किलोमीटर दूर है। फ्रेम इस जिले का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, BDO और तहसीलदार होते हैं, और इस शहर की साक्षरता 65.28% है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं, जैसे आसीरगढ़ का किला। आसीरगढ़ का किला बुरहानपुर का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह बुरहानपुर में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। इस किले में प्राचीन मंदिर, मस्जिद, तालाब और ब्रिटिश कॉलोनी आपको देखने के लिए मिलेगी। इस किले में आपको प्राचीन महादेव का मंदिर देखने के लिए मिलता है। इस किले को दक्कन का दरवाजा कहा जाता था। इस किले में बहुत सारे आपको तालाब और बावड़ी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो प्राचीन है और खूबसूरत है। आप इस किले में घूमने के लिए आ सकते हैं। शाही किला। शाही किला बुरहानपुर शहर का ऐतिहासिक स्थल है। यह किला ताप्ती नदी के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको दीवान ए आम और दीवान ए खास देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको शाही हमाम देखने के लिए मिलता है, जो शाहजहां की पत्नी मुमताज के लिए बनाया गया था। यह हमाम बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसकी छत में सुंदर चित्रकारी भी की गई है। यहाँ पर आपको सुंदर गार्डन देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। दरगाह ए हकीमी बुरहानपुर का एक धार्मिक स्थल है। यह स्थल बोहरा कम्युनिटी का तीर्थ स्थल है। यह जगह बहुत सुंदर है, और यहाँ पर आकर आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ पर आपको सुंदर गार्डन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बोहरा कम्युनिटी के अलावा भी अन्य धर्म के लोग भी घूमने के लिए आ सकते हैं। उनके लिए कुछ निश्चित समय है। रेणुका माता मंदिर। रेणुका माता मंदिर बुरहानपुर शहर का एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है। यह मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, और मंदिर के बाहर आपको गार्डन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको जानवरों के बहुत सारे स्टेचू भी देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी जैसे जामा मस्जिद, कुंडा भंडारा, मुमताज महल का हमाम, राजा जयसिंह छत्री, काला ताज महल आदि।
कई सारे दर्शनीय खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।